नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। सन के लोगों के बारे में समाजशास्त्रियों का कहना है कि उनके दिमाग में कब क्या आ जाए कोई नहीं जानता, और जो चीज दिमाग में आ जाए उसी चीज को करने की वो ठान लेते हैं। ये बात तो उत्तरी कोरिया के तानाशाह पर लागू होती। दो दिन पहले जब उत्तर कोरिया के तानाशाह की बहन किम योंग जो ने दक्षिण कोरिया पर हमला करने की धमकी दी तो दो बातें साफ हो गई थी। पहली बात ये कि अब तानाशाह इस दुनिया में नहीं, वरना राजकाज उनकी बहन के हाथ में ना होती। दूसरी बात ये कि तानाशाह के जैसी उनकी बहन भी उतनी ही सनकी और उतनी ही जिद्दी। यही वजह है जिसे भांपकर दक्षिण कोरिया ने युद्ध की स्थिति को आने से रोकने का कदम उठाया। दो दिन पहले उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की बहन ने धमकी देकर कहा था कि दक्षिण कोरिया के साथ अपने सारे रिश्ते खत्म कर लेंगे। उसके साथ ही किम की बहन ने दोनों देशों के बीच बातचीत के लिए बनाई गई हॉटलाइन को भी बंद कर दिया। इसके बाद दोनों देशों के बीच की तनातनी इस कदर बढ़ गई कि उत्तर कोरिया की नई मालकिन ने अपने सेना अधिकारियों को हमले की कार्रवाई का आदेश तक दे डाला। इसी से डरकर दक्षिण कोरिया ने झुकते हुए बातचीत की पेशकश की और कहा कि हम शांति से रहना चाहते हैं। यहाँ पर हम एक बात बताते चलें कि आखिर इस झगड़े की शुरुआत कहां से हुई। दरअसल प्रोपेगेंडा बलून्स भेजने की पुरानी हरकत फिर दोहराई गई और उत्तर कोरिया के आसमान पर ये बलून्स देखकर किम यो जोंग को गुस्सा आया, और ये गुस्सा इस हद तक बढ़ गया कि उसने न केवल दक्षिण कोरिया को हमले की धमकी दे डाली बल्कि अपने सेनाधिकारियों को भी कार्रवाई के निर्देश दे दिए। मामले को गंभीर होता देखकर दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जाए इन को अपने मंत्रियों के साथ आपात बैठक करनी पड़ी और सुलह करने का फैसला लेना पड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि क्यों दक्षिण कोरिया को झुकना पड़ा और क्यों उत्तर कोरिया को धमकी देनी पड़ी।